हिस्टोपैथोलॉजी में फिक्सेशन, इंट्रोडक्शन हिस्टोपैथोलॉजी का, फिक्सेशन कैसे करते हैं, उसके पहले ग्रॉसिंग कैसे करते हैं, फिक्सेशन फिर करते हैं, फिर डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, ये सारे प्रोसेस के बारे में बताए हैं। अब उसके बाद का जो टॉपिक है हिस्टोलॉजी में, हिस्टोपैथोलॉजी में, उसको बताने जा रहे हैं कि एम्बेडिंग। अगर हार्ड टिश्यू नहीं रहेगा तो फिक्सेशन के बाद हमको एम्बेडिंग करना होता है, और अगर हार्ड टिश्यू है तो डीकैल्सिफिकेशन करने के बाद। तो ये जो एम्बेडिंग का काम किया जाता है वो होता क्या और कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो एम्बेडिंग कहने का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें टिश्यू को, या स्पेसिमेन बोलिए या टिश्यू बोलिए, टिश्यू को, स्पेसिमेन को इनक्लोज्ड किया जाता है एम्बेडिंग मीडियम में। यानी अगर टिश्यू बीच में है तो उसको चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है एम्बेडिंग मीडियम में। यही चीज़, यही प्रोसेस होता है एम्बेडिंग, मतलब इस तरह से पैक कर दिया जाता है। जैसे बीच में इसके टिश्यू रखा हुआ है और चारों तरफ से इसके एम्बेडिंग मीडियम है, चारों तरफ से, मतलब इधर है, इधर, 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 और ये दोनों जो आगे पीछे का साइड इसका होगा, चारों तरफ से इसके एम्बेडिंग मीडियम रहता है, बीच में ये रहता है। तो एम्बेडिंग मीडियम क्या होता है वो भी देख लेते हैं, जिस चीज़ में टिश्यू को एम्बेडिंग किया जाता है, इनक्लोज किया जाता है। तो टिश्यू ब्लॉक का, क्योंकि टिश्यू ब्लॉक जो है वो बहुत ही थिन रहता है, तो उसका सेक्शनिंग करना होता है, टिश्यू को काटना होता है। तो इतना थिन रहता है कि ऐसे ही काट नहीं सकते हैं, इसीलिए उसका ब्लॉक बनाना पड़ता है, और ब्लॉक बनाने के लिए ही इसको एम्बेडिंग करना होता है। और जिस चीज़ में एम्बेडिंग किया जाता है, जिस सब्सटेंस में एम्बेडिंग किया जाता है उसको, उसको बोलते हैं एम्बेडिंग मीडियम। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं ये मोम है, वैक्स होता है, वो वैक्स नहीं नॉर्मल वाला, ये पैराफिन वैक्स होता है, स्पेशली एम्बेडिंग मीडियम के लिए ही होता है, एम्बेडिंग मीडियम ही ये होता है, एम्बेडिंग के लिए ही होता है। लेकिन होता वैसा ही है जैसे मोम होता है, घर में जो मोमबत्ती जलाते हैं उसको जब पिघलाएंगे और पिघला के एक कंटेनर रखेंगे, और पिघला करके उस कंटेनर में मोम को जब भर देंगे और फिर जमने देंगे और उसमें से निकालेंगे तो एकदम उसी शेप का हो जाएगा। ग्लास में रखेंगे तो उसी शेप का, कोई क्यूब है उसमें रखेंगे तो उसी शेप का हो जाएगा। जस्ट वही किया जाता है यहाँ पे, जो पैराफिन वैक्स लिया जाता है उसको भी पिघला लिया जाता है, मोल्टिन ले लिया जाता है, और एक कंटेनर रहेगा जिसको मोल्ड बोला जाता है, उसको भी बताते हैं। तो उसमें टिश्यू रखेंगे और उसी में भर देते हैं एम्बेडिंग मीडियम यानी कि वैक्स। तो इस तरह से होता है कि चारों तरफ से एम्बेडिंग मीडियम से इनक्लोज्ड हो जाता है ये टिश्यू, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो ऐसे ये मोल्ड है, जिस कंटेनर में भरा जाता है ना, ये एम्बेडिंग किया जाता है, उस कंटेनर को मोल्ड बोलते हैं। मतलब मोल्ड कहने का वैसे मतलब होता है कि शेप प्रोवाइड कराने वाला, एक ढांचा देने वाला होता है मोल्ड। तो पहले उसमें वैक्स भर देते हैं नीचे, उसके बाद टिश्यू रखते हैं, मोल्टन स्टेट में ही रखते हैं, और ऊपर का थोड़ा स्कैल्पेल से गर्म करके स्कैल्पेल को ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं ताकि ऊपर का पिघला ही रहे और नीचे का हल्का हल्का जम जाए, ताकि जैसे ही टिश्यू यहाँ रखेंगे तो टिश्यू कहाँ चला जाएगा, यहाँ बीच में आ जाए और नीचे का हल्का हल्का सूख गया हो तो बीच में आके अटक जाएगा और ऊपर से फिर जम जाएगा। तो बिल्कुल बीच में इस तरह से टिश्यू टैक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से एम्बेडिंग किया जाता है पैराफिन वैक्स में। तो ये है मोल्ड, मतलब पहले जो है, पहले तो ऐसा बोट भी बनाया जाता था, मतलब ऐसे पेपर का भी इस तरह से बनाया जाता था, पेपर को ऐसे मोड़ करके ऐसे बोट बनाते थे तो उसी में करते थे। लेकिन अब तो ये एल शेप का, या लिक्विड इसी को बोलते हैं, एल शेप का मोल्ड आता है, दो मेटलिक रहता है ऐसे एल शेप का, दोनों को ऐसे मिला करके जोड़ करके, ऐसे अलग अलग है ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये पूरा एक ढांचा बन जाएगा, और तब उसमें वैक्स भरेंगे और टिश्यू डालेंगे ताकि एम्बेडिंग हो जाएगा टिश्यू का। तो इससे ये होता है ना कि ये बड़ा, ये एक हो गया, एक हो गया, इससे होता है कि हम छोटा या बड़ा अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, इसका ढांचा मोल्ड। तो एल शेप का मेटलिक हो गया। अब जो है इस तरह के कैसेट्स मिलता है, तो ये कैसेट्स में करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो इसमें ही भर करके और उसको, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं तो एम्बेडिंग हो जाता है, मतलब वैसे करके उसको छोड़ दिया जाता है, जब जम जाता है तो एम्बेडिंग हो जाता है, ब्लॉक बन जाता है टिश्यू का, और तब उसका सेक्शनिंग इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे ब्लॉक बना करके, ये देख रहे हैं, ब्लॉक बना करके, ब्लॉक बनने के बाद भी उसको ब्लॉक इतना बड़ा रहता है ना, तो उसको अच्छे से काट के और उसको छोटा, इतना छोटा जहाँ तक टिश्यू रहता है वहाँ तक काट के, और ये माइक्रोटोम, ये मशीन है सेक्शन कटिंग करने का, माइक्रोटोम, यहाँ पे फिट करते हैं और फिर उसको काटते हैं। जब काटते हैं तो ये देख रहे हैं यहाँ पे रिबन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बहुत पतला
से देख रहे हैं, ठीक है। ये इतना पतला रिबन की तरह निकलता है। यहाँ पे जो एक एक ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, वो एक एक टिश्यू है, ठीक है। और यही टिश्यू जो है, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, इतना सारा टिश्यू है एक साथ ऐसे निकलता है एकदम रिबन की तरह, ठीक है। इसी को रिबन बोलते ही हैं, ठीक है। इस तरह से कटिंग किया जाता है, सेक्शन कटिंग, इस माइक्रोटोम मशीन से। माइक्रोटोम मशीन से कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, माइक्रोटोम का एक और वीडियो बनाएंगे, और मोल्ड पे भी, मोल्ड्स का जितना भी टाइप्स होता है उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ एम्बेडिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एम्बेडिंग मीडिया, जो हम अभी बताएं कि पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है, तो सिर्फ पैराफिन वैक्स ही नहीं होता है, और भी मीडियम होते हैं जिसमें हम एम्बेडिंग करते हैं। तो वो मीडियम हम चूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या फ्लोरोस्कोप भी कर रहे हैं, किस कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एम्बेडिंग मीडियम चूज़ किया जाता है। माइक्रोटोम कौन सा, यानी सेक्शन कटिंग करने वाला मशीन जिसमें काट रहे हैं, यही माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी सेलेक्ट किया जाता है एम्बेडिंग मीडियम। टिश्यू कैसा है उसके बेसिस पे भी एम्बेडिंग मीडियम सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो पैराफिन वैक्स है, ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। तो ये इसी के बारे में बताया है कि एम्बेडिंग मीडियम है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्बेडिंग मीडियम है, ये सबसे कॉमन एम्बेडिंग मीडियम है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, 56 to 62 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये पिघलता नहीं है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जाएगा तब पिघलेगा। और मोल्टन वैक्स को ही लिया जाता है, और जब वैक्स को लेंगे तो उसको फ़िल्टर करके यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसे एक बीकर ले लेंगे और फिल्टर पेपर को ऐसे कोन बना करके रख देंगे, और फिर इसमें भर देंगे मोल्टन वैक्स, पिघला हुआ वैक्स को पिघला लेंगे, इनक्यूबेटर में रख करके पिघला हुआ वैक्स को इसमें डालेंगे, तो ये इसमें से फ़िल्टर होगा। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, तुरंत नहीं फ़िल्टर होता है। और फ़िल्टर करने के लिए भी उसको उठा करके रख देते हैं इनक्यूबेटर में, क्योंकि बाहर में रखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये जम जाएगा, तो इसको रख देते हैं इनक्यूबेटर में, ताकि उसमें पिघला हुआ रहेगा और इसमें फ़िल्टर होता रहेगा। पूरी तरह से फ़िल्टर हो जाएगा तब जा करके इससे एम्बेडिंग फिर करेंगे, क्योंकि फ़िल्टर हो जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर कुछ भी रह गया तो जो ये कटिंग करने वाला जो इसमें ब्लेड होता है ना, यहाँ पे ब्लेड जो है ये दिख रहा है, ये ब्लेड है यहाँ पे जिससे कटिंग होता है, तो ब्लेड का एज ख़राब हो सकता है, इसीलिए इसको फ़िल्टर करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पैराफिन वैक्स तो सबसे कॉमन एम्बेडिंग मीडियम है। इसके अलावा अदर जो एम्बेडिंग मीडियम यूज़ किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। कार्बो वैक्स भी यूज़ किया जाता है, ये वाटर सोलेबल होता है, पानी में सोलेबल होता है, तो इसको डायरेक्टली जो है फिक्सेशन करके वॉश करके और इसमें डाल दिया जाता है। मेथाक्राइलेट है, ये मिसिबल होता है विथ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के साथ सॉलिबल होता है, और क्लियर और हार्ड ब्लॉक्स ये बनाता है। और एनी ट्रेस ऑफ वाटर काउजेस फॉर्मेशन, अगर ज़रा सा भी पानी का बबल, पानी का कोई भी ड्रॉप रह गया ना अगर इसमें, तो ये बबल्स बना देता है। इपॉक्सी रेसिन है एक, एरल्डाइट, ये जो है बोल रहा है किसका, हाईर रिजोल्यूशन के लिए काम किया जाता है। मतलब रिजोल्यूशन यानी कितना बड़ा दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है मालूम है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब करना होना तब इस पॉक्सी रेसिन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर मीडियम है, अगर मीडियम ही डबल एम्बेडिंग के लिए होता है, मतलब एक बार कर करके फिर इससे दूसरी बार अगर कराना हो एम्बेडिंग तो उसके लिए होता है ऊपर से एक बार। और ये जो है क्रायोस्टेट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। क्रायोस्टेट कहने का मतलब कि जो फ्रीजिंग वाला जो माइक्रोटोम होता है ना, एकदम कम टेम्परेचर पे, वो क्रायोस्टेट का भी पढ़ाएंगे। वो क्रायोस्टेट में होता यही है कि वही माइक्रोटोम ही रहता है, लेकिन एक पूरा एक बड़े से कंटेनर के अंदर रहता है वो माइक्रोटोम मशीन, जिससे सेक्शन कटिंग किया जाता है। और इस कंटेनर का फ्रीजिंग टेम्परेचर इसमें रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, उस टेम्परेचर पर कटिंग किया जाता है। तो उसके लिए ब्लॉक बनाने के लिए अगर मीडियम का यूज़ किया जाता है, या FNSC जानते होंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन, तो इसके लिए भी जब एम्बेडिंग किया जाता है तो अगर मीडियम में ही किया जाता है। एक सिलोएडीन मीडिया दिया हुआ है, ये नाइट्रोसेल्यूलोज से बनता है, और हार्ट टिश्यू को कटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक जेलेटिन दिया हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो अगर से कम होता है, ये भी फ्रोजन सेक्शन के लिए यूज़ होता है। और नेक्रोटिक टिश्यू, फेरिएबल टिश्यू, जो कमज़ोर टिश्यू होगा या नेक्रोटिक डेड टिश्यू होगा, वो सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक और टर्म दिया हुआ है,
यहाँ से हम बता रहे हैं एक टॉपिक, पैराफिन वैक्स एडिटिव्स। पैराफिन वैक्स एडिटिव मतलब पैराफिन वैक्स तो समझ में आ ही रहा है, एम्बेडिंग मीडियम जिसमें एम्बेडिंग कर रहे हैं ताकि सेक्शन कटिंग आसानी से हो सके। तो इसकी का एडिटिव है यानी ऐड करने के लिए, थोड़ा सा वैक्स को और जो ब्लॉक है और मॉडिफाई हो जाएगा इससे। तो इसकी कंसिस्टेंसी यानी कि कितना गाढ़ा है या पतला है, तो उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट इम्प्रूव करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, इसी को बोलते हैं पैराफिन वैक्स एडिटिव्स। पैराफिन वैक्स में ऐड किया जाता है, ये हार्डनेस जो है वो ब्लॉक का इंक्रीज़ करा देता है और एकदम पतला सेक्शन कटने में मदद कराता है। स्टिकनेस ऑफ द मीडियम इज़ इंक्रीज, यानी कि मीडियम का स्टिकनेस अच्छे से एकदम मतलब ब्लॉक जैसे बनेगा, मोम जो जमता है तो उसके जमने का कैपेसिटी और ये बढ़ा देता है, और बेटर रिबन इससे बन पाता है एडिटिव्स अगर मिला देंगे तो। हाउएवर लार्जर क्वांटिटी ऑफ एडिटिव आर एडेड, लेकिन लार्जर ज़्यादा अमाउंट में इसको नहीं यूज़ करना है, अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब जो कॉमनली एडिटिव यूज़ किया जाता है उसके बारे में है, एक है केरोसिन, ये हार्ड वाइट सब्सटेंस होता है जो कि मिनरल से बनता है, ओजोक्राइट मिनरल से। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, 61-70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको मिला देने से मेल्टिंग पॉइंट पैराफिन वैक्स की बढ़ जाएगी, और 0.3-0.5% ही सफिशियंट होता है इसका, इतना ही कंसंट्रेशन में इसको मिलाना है, काफ़ी है। ये मिला देने से पैराफिन वैक्स में जो क्रिस्टल्स बनता है, जमता है, उस चीज़ को एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, पैराफिन वैक्स को बिल्कुल स्मूथ बना देता है। बी वैक्स एक एडिटिव है, वो भी यूज़ करते हैं, ये एक येलो सब्सटेंस होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 64 डिग्री सेल्सियस है। ये भी क्रिस्टल जैसा सब्सटेंस जो बन जाता है, स्ट्रक्चर जो बन जाता है पैराफिन वैक्स में, उसको ख़त्म कर देता है, कम कर देता है और इम्प्रूव करता है रिबन की क्वालिटी को। उसके बाद एक एडिटिव है बेबेरी वैक्स, ये बेबेरी प्लांट के का पील से बनता है, वेजिटेबल है उसके पील से छिलके से बनता है, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी वैक्स के क्वालिटी को और बढ़ा देता है। तो इतनी बात हो गई, मेनली यहाँ पे एम्बेडिंग मीडियम याद रहेगा, इस तरह से एम्बेडिंग कर दिया जाता है टिश्यू का बीच में, चारों तरफ से मोम हो गया पैराफिन वैक्स, जिससे कि ये ब्लॉक बन जाता है छोटा सा, जिससे कटिंग करने में, सेक्शन कटिंग करने में, मतलब डायरेक्टली तो टिश्यू का ऐसे कटिंग सेक्शन नहीं काटा जा सकता है ना, तो वैक्स में किया जाता है तो आसानी से कट जाता है। जैसे यहाँ पे रिबन जो देख रहे हैं, तो इसमें जो है एकदम छोटा सा जो वाइट दिख रहा है ना, वो टिश्यू है, ठीक है, और चारों तरफ इस वैक्स है, तो इसकी मदद से इतना पतला सेक्शन कट जाता है जब इसका एम्बेडिंग कर देते हैं। तो ये हो गया एम्बेडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मोल्ड्स और उस टाइप्स ऑफ मोल्ड्स कैसा होता है, कौन कौन सा मोल्ड्स यूज़ किया जाता है, उस पर बता देंगे। उसके आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।